सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब हम कार्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करना शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। ये हमने खोला, जेम्प हमारा खुला पड़ा है। देन वी विल गो टू अवर फोल्डर, वहाँ पर जहाँ पर हम हमारा जेम्प इंस्टॉल हुआ पड़ा है वहाँ पर। सो ये HT डॉक्स, यहाँ पर हम नया फोल्डर क्रिएट कर दें। कार्ड के नाम से मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। इसमें हम सारा जो भी है क्यूरीज यहाँ पर रखेंगे, लोकल होस्ट एक्सेस करेंगे और ये आ गया हमारा फोल्डर। यहाँ पे हम डेटाबेस खोलते हैं और अपने नए डेटाबेस क्रिएट करते हैं। सो हियर वी गो, डेटाबेस न्यू, इसको भी मैं नाम देता हूँ क्रूड। और इसमें मैं सिंपली एक रजिस्टर का टेबल बनाता हूँ जिसमें चार रोज लिखता हूँ, जस्ट फॉर शो यू। इंसर्ट क्वेरी हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर आ गए ऑटो इंक्रीमेंट की जो है रिलेशनल की, और उसके बाद हम आ जाते हैं नेम। पहले हम नेम गेट करना चाहते हैं वार चार। अगर आप लिमिटेड टेक्स्ट है तो देन इसमें जाएं, अगर नहीं तो देन टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आ गया, ईमेल या इसको यूज़र नेम कर लेते हैं। ठीक, यूज़र नेम इसको हम वार चार 20 एंड ईमेल कर लेते हैं इसको, और ये हमारा वार चार 20। देन वी विल ओके। हमारा रजिस्टर का टेबल बन गया। अब हम नोट पैड खोलेंगे जिसमें हमारा सारा काम होगा। ज़ैम्प HT डॉक्स कार्ड, इसमें पहला फाइल हम बनाएंगे db.php का, जहाँ पर हम डेटाबेस कनेक्शन बनाएंगे। सो php स्टार्ट एंड क्लोज, कौन का वेरिएबल, कौन के वेरिएबल में, MySQLi कनेक्ट। इसमें हम पहला पैरामीटर लोकल होस्ट, उसके बाद यूज़र नेम जो हमारा रूट है, पासवर्ड हमारा नल है, और हमारा डेटाबेस का नाम ये रहा कार्ड। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सिंपल, जब भी आप काम कर रहे हो तो कॉपी एंड पेस्ट का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप बहुत परेशान होंगे। सोचाइए, ये हमारा बन गया। इसको हम कहते हैं इको, इफ एनी एरर कम्स देन। स्क्रिप्ट चलाए, स्क्रिप्ट में मैं एक अलर्ट चला लेता हूँ ताकि हमें पता चले एरर वाइल कनेक्टिंग द डेटाबेस। ये हमारा एक फाइल बन गया। देन दूसरा फाइल जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे इंसर्ट का। ये हम इसके में लिख रहे हैं insert.php। अच्छा, तो ये दोनों सेव हो गए सक्सेसफुली, मुझे नहीं लग रहा था कि सेव हुए। अच्छा, तो पहला काम हम ये करेंगे, डेटाबेस का फाइल इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग द फाइल ऑफ द डेटाबेस कनेक्शन। इसको हम कर लेते हैं include db.php, then we will perform the insert query। हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। इसमें मैंने बना लिया वेरिएबल इंसर्ट के नाम से। अब इंसर्ट इनटू जो हमारे टेबल का नाम होगा उसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा हो गया नाम। इसके बाद हम फिर यहाँ पे ये काम करेंगे, इसमें हम वो चीज़ें लिखेंगे जो डेटाबेस में पड़ी हुई हों। पहले तो इसका नेम है, नेम, उसके बाद है यूज़र नेम, उसके बाद है ईमेल,
और यहाँ पर वो चीज़ें लिखेंगे जो हम डिफाइन करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख लिया, यूज़र नेम मैंने लिख लिया ये, और ये हो गया हमारा ईमेल। सो ये अब इसको हम जो है अपना रन करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, MySQLi क्यूरी, और ये एक पैरामीटर इसका डेटाबेस कनेक्शन का, और ये दूसरा पैरामीटर हमारा इस क्यूरी का। अब इफ कंडीशन चलाएंगे, इफ कंडीशन में रन, अच्छा तो इसमें हम लिखते हैं अगर चल जाए तो सक्सेस, अगर नहीं तो सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक। एल्स स्टेटमेंट में हमारा चले इको स्क्रिप्ट, वो भी अलर्ट चले, अलर्ट में वो दिखाए एरर व्हाइल इंसर्टिंग द रिकॉर्ड, ठीक। अब हम इसको चला के देखते हैं कि भाई चलता भी है या सिर्फ, अच्छा सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्टेड, सो लेट्स सी इन आवर डेटाबेस। भाई ये तो हो गया, बड़ी मुबारक हो आपको। सो अब नेक्स्ट पेज हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे अपना, वो बनाएंगे हम इसका सेलेक्ट क्यूरी का। भाई ये आगे हमारा इसमें लिखते हैं फेच, डेटाबेस से हम जो भी चीज़ लेते हैं वो हम अपनी लैंग्वेज में इसको फेच बोलते हैं। अच्छा तो पहले हम करेंगे फाइल इंक्लूड, इंक्लूडिंग दी डेटाबेस फाइल, इसमें हम इंक्लूड करते हैं db.php, देन वी विल कम परफॉर्मिंग दी सेलेक्ट क्यूरी, ठीक। एक वेरिएबल बना लिया सेलेक्ट के नाम से, यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम, जो हमारा टेबल नेम होगा वो रजिस्टर, ठीक। और इसके बाद हम पेस्ट करेंगे इसको, अब हम करेंगे रन जैसे हमने वहाँ पर किया, रन MySQLi क्यूरी, पहला कनेक्शन, दूसरा हमारा जो वेरिएबल है वो वाइल लूप पे लेंगे हम, इसको हम करेंगे रो इज इक्वल टू MySQLi फेच एसओ के अंदर जो हमारा रन का वेरिएबल है वो, एंड देन यहाँ पर वाइल लूप हमारा, और इसमें लिखेंगे रो हमें डिस्प्ले करवाओ यूज़र नेम। सो इसको हम करवाते हैं इको एंड देन वी विल सी। अच्छा तो ये आ गया फेच